नैनीताल की नैनी झील में 2 दिवसीय 5वें राज्य ओलंपिक में कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, याचिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर सहित कुल 9 जिलों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग वर्गों में खेल आयोजित किए गए। एसोसिएशन के निदेशक डॉक्टर सुमन कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों को आगे होने वाले ओलंपिक खेलों में भी क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। जी, सो नैनीताल लेक अपने आप में एक बहुत फेमस पॉइंट है और ये वर्ल्ड हाईएस्ट यॉट पॉइंट भी माना जाता है। और इस प्रतियोगिताओं के लिए जो यहाँ हो रही हैं, कयाकिंग एंड कनोइंग, जिसमें कयाक और कनू अलग अलग दो विधाएं हैं, और रोइंग और सेलिंग, ये तीनों स्पोर्ट्स यहाँ हो रहे हैं, जिसमें रोइंग और कयाकिंग और कनोइंग एंड सेलिंग, ये तीनों गेम्स ओलंपिक डिसिप्लिन हैं। मतलब इन गेम्स में बच्चे भाग लेके अपना करियर ओलंपिक्स तक बना सकते हैं। और हमें लगता है कि जिस तरीके का यहाँ एटमॉस्फेयर है, वातावरण में शुद्धता है, ये एक बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही एक अप्रोप्रिएट लोकेशन है। वहीं यहां रोइंग प्रतियोगिता के सिंगल स्केल 500 मीटर में प्रथम आए राहुल चौधरी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को काफ़ी हौसला मिलता है। मेरा सर, ये नैनीताल में स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है और मैंने रोइंग गेम से सिंगल स्केल में 500 मीटर में प्रतिभाग किया था, जिसमें अभी मैं फर्स्ट आया हूँ। और इससे पहले कल जो रेस हुई थी डबल स्केल में 1 किलोमीटर में, मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया है। और मैं रुड़की आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी से खेलता हूँ और यहाँ पे खेलने के लिए आए थे नैनीताल में।